स्टार्टअप या बोले एक स्टार्टअप आइडिया। आखिर क्या होता है एक स्टार्टअप आइडिया, क्योंकि मेरे पास आप ऐसे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, मेल्स आते हैं, वो शेयर मेरे साथ शेयर करते हैं क्या अपना स्टार्टअप आइडिया। बट जब मैं उन पर क्लोजली नज़र डालता हूँ उनके स्टार्टअप आइडिया पे, तो मेरे को क्या पता लगता है कि वो स्टार्टअप आइडिया किसी एग्जिस्टिंग स्टार्टअप आइडिया का हूबहू कॉपी है या काफ़ी मिलता जुलता है। तो क्या किसी एग्जिस्टिंग स्टार्टअप का अगर आइडिया कॉपी करे तो वो आपका स्टार्टअप नहीं कहलाएगा? तो आंसर है नो। अगर ऐसा ना होता तो स्नैपडील, शॉपक्लूज और पेटीएम जैसी कंपनी एस्टैब्लिश नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि उन्हें भी तो फंडिंग मिली है, क्योंकि ऑलरेडी फ्लिपकार्ट था मार्केट में तब भी उन्हें ये फंडिंग मिली। तो बिगेस्ट क्वेश्चन, क्या कॉपी करना भी एक स्टार्टअप बन सकता है, कॉपी करके भी एक स्टार्टअप बन सकता है? तो मेरा आंसर है बिल्कुल यस। कहाँ डिफरेंस आएगा? जो मेन डिफरेंस आता है वो आता है एग्जीक्यूशन पे। अगर आप किसी एग्जिस्टिंग स्टार्टअप आइडिया को कॉपी कर रहे हैं पर उसे एग्जीक्यूट अच्छे से कर रहे हैं, तो भी आपका जो बिजनेस है वो सक्सेसफुली चल सकता है। जरूरी नहीं है वो आइडिया आप ही की ऊपर, जो आप ही की दिमाग की ऊपर, जरूरी नहीं है वो आइडिया आप ही का हो। अगर आप उसे अच्छे से एग्जीक्यूट करें और अच्छे से मार्केट में काम करें, तो हो सकता है आप भी सक्सेसफुल हो जाएं। आप देखेंगे एक एक आइडिया पे आज की डेट में 10-10 20-20 स्टार्टअप खुले हुए हैं और सब के सब लगे हुए हैं मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। क्यों? जो एक चीज उन सबको डिफरेंस बनाती है वो है एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन ऑफ योर स्टार्टअप आइडिया। आइडिया क्या है? आइडिया विदाउट एग्जीक्यूशन क्या है? जीरो। अगर आइडिया है आपके पास और अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए तो उस आइडिया का कोई फायदा ही नहीं। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका कोई आइडिया, आप किसी और का आइडिया कॉपी करके बट उसे एग्जीक्यूट अच्छे से कर दे, बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर दे, तब भी आप अपना बिजनेस सक्सेसफुली चला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आइडिया आप ही का हो। मतलब मेन चीज आपको बता दी, क्या चाहिए आपको? आइडिया प्लस एग्जीक्यूशन। अगर एग्जीक्यूशन जीरो है तो आइडिया भी जीरो है। बहुत सारे आपने देखे होंगे स्टार्टअप जो उनके पास आइडिया नहीं होता है, यूनिक आइडिया होता है बट उसे एग्जीक्यूट अच्छे से नहीं कर पाते और क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। बट ऑन द अदर हैंड कुछ लोग कॉपी कर लेते हैं आइडिया बट उसे एग्जीक्यूट बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो भी क्या होता है, वो हिट हो जाते हैं। तो आपके पास क्या होनी चाहिए? एक बहुत ही अच्छी टीम। अगर आपके पास एक अच्छी टीम है तभी आप अपने एक स्टार्टअप को आगे बढ़ा सकते हैं। आपकी टीम है वन ऑफ द फोर पिलर्स ऑफ सक्सेस। तो अगर आपकी कंपनी चार पिलर्स पे टिकी हुई है तो उसमें से एक पिलर है आपकी टीम का। अगर अच्छी टीम नहीं हो तो नहीं चल पाएगी। उसके बाद बारी आती है फंडिंग की। फंडिंग के लिए ये नहीं है कि आइडिया यूनिक होना चाहिए। कभी कभी क्या बात होती है कि अगर आइडिया आपका यूनिक नहीं है बट आपकी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और आपकी टीम अच्छी है तो भी आपको क्या बोलते हैं, अच्छी फंडिंग मिल जाती है। लाइक स्नैपडील का एग्जाम्पल देख लीजिए, शॉपक्लूज का एग्जाम्पल देख लीजिए। उन्होंने क्या किया, अपने इन्वेस्टर्स को दिखाया कि देखिए हम भी अच्छा बिजनेस चला सकते हैं। हम भी फ्लिपकार्ट हुआ तो क्या हुआ, बट हम भी अच्छा बिजनेस चला सकते हैं और उन्हें फंडिंग मिल गई। अब बात करते हैं हम आपकी। आप अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है और आप उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। बट मार्केट से आने से पहले क्या करें, पूरी अच्छे से प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग के साथ साथ क्या देखना है आपको, एग्जीक्यूशन। अगर आपने अपने आज से लेकर 3 सालों तक का प्लान अभी तक नहीं किया कि कैसे एग्जीक्यूट करेंगे या कैसे चलाएंगे, तब भी आपका आइडिया फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आपको ऑन पेपर सब कुछ रेडी करना पड़ेगा। ये नहीं कि बिजनेस शुरू कर दिया और बाद में देखते करें प्लानिंग कर लेंगे, बाद में एग्जीक्यूशन की प्लानिंग कर लेंगे, बाद में देख लेंगे। तो अगर ऐसा करेंगे तो ये एक चाइल्डिश बिहेवियर है और आपका स्टार्टअप फेल होने के चांसेस कहीं ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इससे पहले कि आपको बाद में फ्रस्ट्रेशन होए कि आपका स्टार्टअप नहीं चल पाया, उससे अच्छा है कि पहले से ही आप प्लान कीजिए, पहले से ही आप सारा पेपर वर्क पहले से ही तैयार करके रखिए ताकि फेलियर के चांसेस जीरो हो जाए। आइडिया प्लस प्लानिंग प्लस एग्जीक्यूशन, ये चीज़ ऑन द पेपर होना चाहिए। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किए थे कुछ अच्छे स्टार्टअप आइडियाज़, तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। और अगली वीडियोस में भी कुछ मैं बताऊंगा आपको कुछ इंटरेस्टिंग स्टार्टअप आइडियाज़ जो आप जिन पे काम कर सकते हैं और उन पे फोकस कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए इस वीडियो को और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, टेक केयर।